हेलो स्टूडेंट्स, सब सभी को आपके अपने चैनल कॉन्सेप्चुअल स्टडी विद रितेश में एक बार पुनः स्वागत है। और यह वीडियो स्टूडेंट्स आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। विनोबा भावे यूनिवर्सिटी हजारीबाग के IRC पेपर 2 यानी कि सेमेस्टर 2 में जो IRC केमिस्ट्री रखे होंगे उनके लिए ये वीडियो स्पेशली है, ठीक है। तो वो इस वीडियो में पूरा कंटेंट देख पाएंगे, क्या पढ़ना है, किसे पढ़ना है, सारा कुछ, क्या सिलेबस में है, किसे क्वेश्चन आएंगे, सारा कुछ बताने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक देखना है, और चैनल में नए होंगे तो जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। हो सकता है इसका पूरा सिलेबस भी कंप्लीट करवाना है, ठीक है। बाकी सारा कुछ इन्फॉर्मेशन तो आप लोग को देखने को मिलता ही सबसे पहले यहाँ, बाकी सिलेबस भी सारा कंप्लीट करवाने का प्लान बना है। तो आप लोग जरूर से सब्सक्राइब करके रखें, ठीक है, जल्द ही आप लोग का सिलेबस कंप्लीट करवाया जाएगा। तो चलिए उसमें देखते हैं इंट्रोडक्टरी। जैसे कि आप लोग को पता होगा सेमेस्टर 1 में जो सब्जेक्ट था IRC में वो सेमेस्टर 2 में नहीं रख सकते हैं, और जो सेमेस्टर 2 में रख सकते हैं सेमेस्टर 3 और 1 में नहीं होगा, ठीक है। तो यह आपका केमिस्ट्री सेमेस्टर 1 में नहीं था, ठीक है, इसलिए आप सेमेस्टर 2 में केमिस्ट्री IRC रखे हैं। तो चलिए इसका जो देखते हैं क्या कुछ है। इसमें सबसे पहले आपको पढ़ना एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में, जो एटॉमिक होता है उसकी स्ट्रक्चर बनावट किस प्रकार से है इसके बारे में आप लोग पढ़ना है। इसमें सबसे मेनली आपका बोहर्स एटॉमिक थ्योरी है, कैलकुलेशन ऑफ रेडियस ऑफ ऑर्बिट्स ऑफ एटम एंड कैलकुलेशन ऑफ एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन लाइक स्ट्रॉम्स ए एटम्स, ये हो गया ऑप्शन। फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एंड इलेक्ट्रो मैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, ये दोनों के बारे में आप लोग को पढ़ लेना। इसमें हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम एंड इट्स ओरिजिन, इसके बारे इसका जो उत्पत्ति हुआ उसके बारे में। लिमिटेशंस ऑफ बोहर्स एटॉमिक थ्योरी, जो ये बोहर्स एटॉमिक थ्योरी ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोग को जरूर से पढ़ लेना, ये आएगा क्वेश्चन, ठीक है। देखिए डी ब्रोगली थ्योरी हो गया, फिर इसके साथ ही और भी है हेसेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, क्वांटम नंबर्स अफबाउ प्रिंसिपल। ये थोड़ा नाम आपको अजीब सा लगेगा क्योंकि ये थोड़ा है ही, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हंट्स रूल, पोलिश एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ एटम्स एंड आयन्स। तो ये आपका हो गया फर्स्ट एटॉमिक स्ट्रक्चर में इतना सारा आप लोग थ्योरी पढ़ना है, इनसे क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेगा। ये लास्ट पॉइंट साथ ही है, ठीक है, साथ ही पॉइंट आप लोग को पढ़ना है, जिनमें से एक हम बता दें। दूसरा ऑप्शन पीरियोडिसिटी, ठीक है, पीरियोडिसिटी है, इसमें मॉडर्न पीरियोडिक लॉ एंड मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पढ़ना है। क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स इंटू ब्लॉक्स, ऑटोमिक रेडियस, आयोनिसेशन आयोनिसेशन, ठीक है, आयोनिसेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड देयर वेरिएशन इन द पीरियोडिक टेबल डायगोनल रिलेशनशिप। तो ये जो ऑप्शन आपका इंपॉर्टेंट, इसमें सबसे ज़्यादा है आपका सबसे ज़्यादा इधर जो है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स इनटू ब्लॉक्स हो गया, फिर एटॉमिक रेडियस आयोनाइजेशन एनर्जी हो गया, और बाकी आपका जो है मॉडर्न पीरियोडिक लॉ एंड मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, ये आप लोग देखने को मिलेंगे इससे क्वेश्चन, ठीक है। तो इसको भी रेडी कर लेना, यानी जितने भी इसमें पॉइंट सारे इंपॉर्टेंट, ऐसा नहीं सोचना कि जिसको हम बोलेंगे वही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है, जिसको हम बोलेंगे वो आएगा, ठीक है, लेकिन जिसको नहीं बोलेंगे वो भी आएगा, ठीक है। सिलेबस जो है सो सारा कवर को सारा पॉइंट को कवर कर रहा है, ठीक है, सारा पॉइंट से आएंगे आपके क्वेश्चन। अब देखिए केमिकल बॉन्डिंग, ये केमिकल बॉन्डिंग भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जिसके हम क्वेश्चन पेपर में देखा करते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जनरल आइडिया अबाउट केमिकल बॉन्ड्स एंड देयर टाइप्स, इसके जो क्या क्या जनरल आइडिया हो सकते हैं, सामान्य जानकारी क्या क्या हो सकता है, और इसके क्या कितने प्रकार हैं, ठीक है। आयनिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड एंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड, वैलेंस बॉन्ड, थ्योरी ऑफ कोवलेंसी, एक्सप्लेनेशन ऑफ शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स, आयन्स, विस्पर थ्योरी एंड हाइब्रिडाइजेशन, कोवलेंट कोवलेंट करेक्टर इन आयोनिक बॉन्ड, आयोनिक करेक्टर इन कोवलेंट बॉन्ड, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस, ये सारा कुछ आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है केमिकल बॉन्डिंग में। अब देखिए गैसेस स्टेट हो गया, ठीक है, आइडियल गैस एंड आइडियल गैस इक्वेशन, तो इसके बारे में आप लोग को पढ़ना। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, रियल गैसेस एंड देयर डिविएशंस फ्रॉम आइडियल गैस बिहेवियर, वैन डर वाल्स इक्वेशन एंड इट्स डेरिवेशन, सिग्निफिकेंस एंड यूनिट्स ऑफ वैन डर वाल्स कॉन्स्टेंट्स, ठीक है। तो इनमें जो गैसेस स्टेट हो गए इसमें ये सारा आप लोग को पढ़ना है। अब देखिए सोल्यूशंस कुछ हैं,
ठीक है। सोल्यूशंस के बारे में आप लोगों को देखना है, सोल्यूशन एंड देयर क्लासिफिकेशन, इसके क्लासिफिकेशन को आप लोगों को कंफर्म कर लेना है, ठीक है। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन एंड वेरियस टर्म्स यूज्ड टू एक्सप्रेस द स्ट्रेंथ ऑफ सोल्यूशन, कैलकुलेशंस रिलेटेड टू स्ट्रेंथ ऑफ सोल्यूशन, आइडिया ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज एंड वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन, आइडियल एंड नॉन आइडियल सोल्यूशंस। तो ये सारा कुछ आप लोग को सोल्यूशंस के अंदर आप लोग को पढ़ना सुन, ठीक है। देखिए अब इंट्रोडक्शन टू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक के बारे में आप लोग को पढ़ना है, जिसमें से आप लोग को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में बोला जा रहा है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इन देयर क्लासिफिकेशन, फंक्शन ग्रुप, होमोलोगस सीरीज, टाइप्स ऑफ कार्बन चेन्स, कार्बन एटम्स एंड हाइड्रोजन एटम्स, या IUPAC नॉम क्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, हाइब्रिडाइजेशन एंड शेप्स ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, जनरल आइडिया अबाउट स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म एंड स्टीरियोसोमेरिज्म इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, एरोमेटिकसिटी एंड इट्स इम्प्लीकेशंस। तो ये सारा कुछ आप लोग क्वेश्चन पढ़ना है, ठीक है। इसको फास्टली थोड़ा बता दें, ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म। तो देखिए सर, जो ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म है, इसके बारे में आप लोग को पहले इसका जो जितना भी है उसका थ्योरी सारा आप लोग को कवर कर लेना है, ठीक है, तभी आप लोग को सारा समझ में आएगा, ठीक है। तो कवर कर लेना है, अगर हम कवर करवाएंगे तो बढ़िया से ही करवाएंगे, ठीक है। तो देख लीजिए थोड़ा, आप लोग को अगर कहीं दूसरे जगह से भी होता तो कर सकते हैं, बाकी हम तो करवाएंगे ही, ठीक है। कोशिश करेंगे पक्का पक्का एकदम आप लोग का सारा सिलेबस कंप्लीट करवाने का। बाकी देख सकते हैं, फ्यूजन ऑफ कोवलेंट बॉन्ड्स, इलेक्ट्रोफिल्स एंड अन न्यूक्लियोफिल्स, इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट्स इन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, इंडक्टिव इफेक्ट, इलेक्ट्रोमेट्रिक इफेक्ट एंड मेसोमेरिक इफेक्ट, रेसोनेंस, बेसिक आइडियाज ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन, इंटरमीडिएट्स, कार्बोकेशंस, कार्बोनियन फ्री रेडिकल एंड टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन। ये सारा कुछ रिएक्शन के बारे में आप लोगों को पढ़ना है, यहाँ ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म मतलब क्या क्या रिएक्शन इसके हैं, ठीक है। अब देखिए, इनसे कुछ रेफरेंस बुक से इनसे भी आप लोग क्लियर कर सकते हैं। ये अगर बुक आप लोग के पास है कोई एक तो आप लोग बढ़िया से क्लियर कर सकते, नहीं तो आप लोग कॉलेज के चाहे लाइब्रेरी में वहाँ से भी आप लोग पढ़ सकते हैं, ठीक है। बहुत मजा आएगा, ये सारा पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आप लोग के लिए, और सारे से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो कैसा लगा वीडियो जरूर से बताइए फ्रेंड्स, ठीक है। आप लोग का यही सारा कुछ क्वेश्चन आएंगे और इसके बारे में जो भी होगा फ्रेंड्स हम वीडियो बनाएंगे आगे भी, ठीक है, इनके पॉइंट से रिलेटेड, और इसका आंसर वगैरह सारा बढ़िया से करवाने का प्रयास करेंगे, भरपूर प्रयास करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करके फ्रेंड्स, ठीक है, ताकि हम जैसे ही बनाए तो आप लोग तुरंत देख पाएँ। और बाकी थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे नेक्स्ट न्यूज के साथ। दिव्य हिंद, वंदे मातरम।